तो अब हम आते हैं साइकोलॉजिकल क्या पैरामीटर हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल पैरामीटर 5 है। ऑर्बिट थ्योरी आप समझ गए कि हमें पुश पुल को बड़े ध्यान से, बहुत ही ध्यान से और बहुत ही एक अप्रोप्रिएट पावर्स के साथ, अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप के साथ मैनेज करना पड़ेगा। सबसे पहला ऑर्बिट, वो इतने सारे ऑर्बिट चेंज करती हैं कि सबसे पहला ऑर्बिट बच्चे का चेंज होता है 1 से 12 साल। 4 से 5 साल तक बच्चे को जेंडर का पता ही नहीं होता, वो ज्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि मैं गर्ल्स हूं बॉयज हूं। उसको छोटी मोटी चीजें धीरे धीरे, इन्वायरमेंटल फैक्टर, पेरेंटल, वो लोग बताते हैं, कपड़े चेंज होते हैं, ये सब चीजें बताते हैं। लेकिन जैसे ही वो बच्चा 8-9 साल या के करीब जाने लगता है तो उसको जेंडर डिफ्रेंशिएशन बिल्कुल पता लग जाता है। अब उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होता है, घर के बुजुर्ग, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, पेरेंट्स, आल्सो कजन्स, जो भी रिलेटिव्स हैं, वो उनको बोलना शुरू कर देते हैं। क्या बोलते हैं, भाई आप तो पराया धन हो, ठीक है, पहला ऑर्बिट चेंज, थ्रस्ट ने बाहर फेंक दिया उसे। उसके दिमाग में अभी तक यही था कि ये घर मेरा है, मेरा अधिकार है इस पे। आपने सडन वो पूरा अधिकार ही चेंज कर दिया। आपने कहा नहीं 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 आपका घर नहीं है, कोई और घर है आपका, हो गया प्रॉब्लम शुरू। लेकिन हमने इस चीज को समझने की कोशिश नहीं की, ये क्यों हो रहा है ऐसा, कि हम ऐसा क्यों बोलते हैं गर्ल्स को। ये कभी राजा महाराजाओं के यहां प्रथा होती थी कि युवराज को राजगद्दी दी जाती थी, और जब युवराज को राजगद्दी दी जाती थी तो उन्हें लगता था कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि उस जमाने में भी स्त्रियां बहुत वीरांगनाएं होती थी, बहुत स्ट्रांग होती थी वो, उनको ऐसा ना लगे कि कल को दोनों बहन भाई में झगड़ा हो जाए और राज्य को बाइफर्केशन हो जाए या बहन ही तलवार उठा ले। ठीक है ना, कहते हैं ना माया मा ठगनी, पैसा राजपाट। तो उन्होंने एक कंसेप्ट बना दिया कि लड़की का कोई अधिकार नहीं, और उसको बचपन से सिखाना शुरू कर दिया ताकि बड़े होके उसके दिमाग में, बिल्कुल सबकॉन्शियस माइंड में ये रिकॉर्ड हो जाए। लेकिन आज ना तो आप लोग राजा हैं, दिस इज फुली डेमोक्रेसी, तो हमें बराबर के अधिकार देने चाहिए। हमारी नजर में बिल्कुल भी लड़का और लड़की में डिफरेंशिएट होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो ये पहली ऑर्बिट की साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हम खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड लेवल पे आते हैं। सेकंड लेवल क्या है, सेकंड लेवल है 13 साल, जब टीनेज में बच्चा चला जाता है, से 19 ईयर, 13 to 19, ये वो टाइम है जिसमें उसको दूसरा बड़ा झटका लगता है। अगर घर में मान लो एक लड़का है और एक लड़की है, बच्चों हैं, सबसे पहला डिफरेंशिएट, फादर बड़े या मदर या घर के रिलेटिव्स, कजन्स, ग्रैंडफादर, भाई वो कौन है जिसके साथ तू खेल रहा था, लड़के से बात करेंगे। अच्छा वो फलाने की लड़की है, तूने एक नई फ्रेंड बना ली है, और सबको बड़े प्रेज करके बताएंगे। ठीक है, और गलती से यही बात लड़की ने बोल दी तो देर विल बी ह्यूज क्योस, इतना बड़ा क्योस कि पूछे मत। मैं हरियाणा का अगेन एग्जाम्पल देता हूं, वहां तो लट उठा लेते हैं। ठीक है, तो दीज आर द प्रॉब्लम्स। आप या तो दोनों बच्चों को एक ही लेवल पे समझाइए, और या दोनों बच्चों के लिए ऑर्थोडॉक्स होना है तो ऑर्थोडॉक्स भी एक लेवल पे हुई है, और लिबरल होना है और लिबरल भी एक लेवल पे, दोनों के प्लस माइनस है वो एक अलग बात है, उस पर हम कभी और बात करेंगे। लेकिन अगर आपने डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या होगा, रिलेशनशिप छुपके बनेंगे। ये थोड़ी कड़वी बात है बट सत्य बात है, छुपके बनेंगे और उसमें दूसरा आदमी, थर्ड पर्सन, उनके इमोशन से खेल सकता है। वो किसी ट्रॉमा में जा सकते हैं, किसी फोबिया में जा सकते हैं, किसी भी बड़ी प्रॉब्लम में जा सकते हैं। मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है, टीनेज में बच्चों के साथ कभी भी ऐसी डिफरेंशिएट मत करिए, और स्पेसिफिकली मदर शुड बी टेक द इनिशिएटिव, लीडरशिप पोजीशन पे उसको रहना चाहिए, क्योंकि मदर के साथ बच्चे थोड़ा ज्यादा टाइम लगाते हैं।
अब हम आते हैं यूथ, 20 साल से लेके 35 साल तक, ये वो टाइम है जिसमें बच्चों को अपने करियर की चिंता होती है कि मेरे को कहाँ जॉब करना है, मेरे को जॉब करना है या नहीं करना है। आजकल तो खैर बच्चा ऐसा कोई नहीं होगा जो जॉब नहीं करना चाहता है। किस लेवल का जॉब करना है, कैसे, किस कंपनी में जॉब करना है। दूसरा, इस लेवल में जो 20 to 35 का टाइम है, इस टाइम में बच्चे पे एक स्ट्रेस और आने लगता है जो फैमिली का है कि शादी होनी है आपकी, बच्चे होने हैं, वो प्रेशर भी आने लगता है। अब वो दो स्ट्रगल बड़े हैं, एक तो वो जो जॉब लेता है वो इन्वायरमेंट कैसा होगा, ये बिल्कुल अलग इन्वायरमेंट होता है क्योंकि अभी तक वो कॉलेज में रहा होता है या स्कूल में रहा होता है या घर पे रहा होता है। घर पे 100% प्रोटेक्शन पेरेंट्स की तरफ से कोशिश होती है, स्कूल के डिसिप्लिन बहुत अच्छे होते हैं, कॉलेज में डिसिप्लिन नहीं होते बट पेरेंट्स फिर भी उनको फॉलोअप करने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ वो फ्री हो जाता है। और जिस एनवायरनमेंट में जाता है वहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। आजकल हमें मालूम है ऑफिस में बहुत सारे स्ट्रेस हैं जो हायर मैनेजमेंट से लोअर मैनेजमेंट में आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं, आप सबको मालूम है, मेरे कॉर्पोरेट के वीडियो में आप देख सकते हैं, आई एक्सप्लेन ऑल द थिंग इन डिटेल। एक तो उनको उससे फाइट करना होता है, दूसरा शादी। अब वो शादी के अंदर उसको अपनी मर्जी से करनी है या आपने पेरेंट ने सजेस्ट करना है, बहुत कंफ्यूजन है। पेरेंट ने जो सजेस्ट करना है उस पे उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, उसने जो ढूंढना है पता नहीं उसने ढूंढा है या नहीं ढूंढा है। ठीक है, ये ऑर्बिट चेंजिंग बता रहा हूं, सारे ऑर्बिट चेंज हो रहे हैं, थ्रस्ट बार बार चेंज हो रहा है, मेरे उस सर्कल को याद रखिए, उसमें एरो बने हुए थे। और अब उसकी शादी होगी, ठीक है, यहां उसके लिए एक नई प्रॉब्लम, ससुराल में चलेगी, ससुराल में जाने के बाद उसने जो आपने शौक रखे थे वो फिल्टर हो जाएंगे। उसको बोला जा रहा है भाई ये आपका घर है, ठीक है, बहुत बढ़िया, लेकिन उस घर की मालकिन कोई और है। ठीक है, अब कोई भी आदमी आप किसी राजनेता को बोलिए उसने गद्दी छोड़नी है, सर गद्दी नहीं छोड़ेगा वो, बहुत ही मैच्योरिटी चाहिए, हर लेवल पे काउंसलिंग चाहिए, हर लेवल पे सुजेशन चाहिए, धीरे धीरे शिफ्टिंग चाहिए ताकि उसको भी बुरा ना लगे, नहीं तो सासू माँ जो नाराज हुई उसकी जान को एक और बवाल की, वो घर मेरा था नहीं, ये घर किसी और का है, वो मुझे लेने नहीं दे रही या लेने नहीं दे रहा, ससुर भी होते हैं वहां पे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सासी होती है, बाकी भी उनके रिलेटिव्स होते हैं। तो एक नए स्ट्रेस में ऑर्बिट शुरू हो गया, और अगर हमने उस स्ट्रेस को इग्नोरेंस, ये सारे इग्नोरेंस हैं, तो वो धीरे धीरे ऑर्बिट से बाहर जाने लगेगा और इतना बाहर कि फिर वहां से पकड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। ये हमारे तीन ऑर्बिट हुए अभी तो, ठीक है, अब हम आते हैं फोर्थ ऑर्बिट। फोर्थ ऑर्बिट क्या है, फोर्थ ऑर्बिट है 35 से लेके 45 की एज या 50 तक की एज ले सकते हैं। इस टाइम क्या है, बच्चे बड़े होने लगते हैं, मदर इज 100% कंसंट्रेशन जो शिफ्ट हो जाता है मदर का बच्चों का, और उसका कंसंट्रेशन शिफ्ट होने के बाद जो हस्बैंड है वो अपने काम में बिजी हो जाता है क्योंकि उसको ये लगता है कि अब बच्चे हो गए, फैमिली है, मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि अर्निंग इज ए प्रोसेस। ठीक है, अगर दोनों वर्किंग है तो भी अर्निंग का प्लान बनाते हैं और उसमें तो वो बच्चों को और भी कम टाइम देख पाते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा गैप आता है जब वो लेडीज पहुंचती हैं 45 to 50 की उम्र में, तो बच्चे ग्रोन अप हो जाते हैं, वो टीनेज से यूथ में कन्वर्ट होने लगते हैं। ठीक है, और उनको अब सलाह नहीं चाहिए, आप मेरा वीडियो देखिएगा टीनेज का, उसमें टीनेज को हम सलाह देते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे हम मछली को तैरना सिखा रहे हैं, उसे लगता है मैं इस दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी या लड़की हूं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं। अब वो बच्चे उसकी सुन नहीं रहे, हस्बैंड दूसरे कामों में बिजी है, अब फोबिया होने लगता है। किस चीज का फोबिया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं हो गया हस्बैंड का, ये तो ध्यान ही नहीं दे रहा मेरे पर। अरे भाई वो ध्यान कब दे रहा था,
वो भूल जाते हैं आपस में कि आपने ही तो उसको बिजी कर दिया, आपने उसको बताया घर चाहिए, बच्चों के लिए अच्छा स्कूल चाहिए और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होते, बट आर्टिफिशियल थॉट में आना शुरू हो जाते हैं। और आर्टिफिशियल थॉट में आने के बाद ऑर्बिट चेंजिंग है, उसमें बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो कम्युनिकेशन नहीं होगा तो फोबियास्टिक बिहेवियर शुरू हो जाएगा। और फोबियास्टिक बिहेवियर के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये आएगी कि आपस में ही डिफरेंसेस आने लगेगी और इतने ज्यादा डिफरेंस होंगे कि आप कभी बच्चों की तरफ हो जाएंगे और कभी आप अपने हस्बैंड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। मैं इसमें एक महाभारत की कहानी सुनाना चाहता हूं। महाभारत में पहला जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था इला। ये एक राजा है जो इला नाम का की लड़की बन गया था भगवान शिव के, वरदान लगा लीजिए, शाप लगा लीजिए। और ये आप शिव पुराण में भी देख सकते हैं, भागवत में भी है इसका और हरिवंश पुराण में भी है, ये कई जगह आता है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो इला हो गया था और उनकी शादी जो बुद्ध है उनके साथ हुई थी। तो अब इनकी दोनों तरह की संतान है, जब ये आदमी थे तब भी संतान हुई और जब स्त्री थी तब भी संतान, मतलब स्त्री बन के भी इन्होंने बच्चों को जन्म दिया और आदमी बन के। ये फर्स्ट जेंडर ट्रांसमिशन है एज पर महाभारत और हमारे शास्त्र में, जेंडर चेंज हो गया। अब इनसे ऋषि ने पूछा कि आपको सबसे अच्छा कौन सा इमोशन लगा, जब आप आदमी थे बच्चे पैदा हुए या जब आप लेडीज बन के अपने पैदा किए। तो उसने कहा कि मेरे को सबसे अच्छा इमोशन लगा जब मैंने लेडीज बन के बच्चे पैदा किए। लेडीज अपने शरीर के इमोशन के साथ साथ ब्लड अपने शरीर का अंग दे देते हैं। अब बच्चा अगर सुन नहीं रहा और हस्बैंड के साथ डिफरेंसेस हो गए तो फोबियास्टिक हो ही जाएगी, कोई चांस ही नहीं है कि फोबिया ना हो, राइट? और उसके इमोशंस बच्चों में रहेंगे, इमोशंस विल मूव, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। अब जो 50 से ऊपर की एज आती है, कई बार क्या होते हैं हस्बैंड वाइफ इकट्ठे रहते हैं और कई अनफॉर्चुनेट ऐसा भी होता है कि दोनों में अलग हो जाते हैं, एक इस दुनिया से चला भी जाता है, इट्स वेरी सैड। अगर इन दोनों में से कोई भी ऐसा सिनेरियो हो गया तो उसको फोबिया ट्रोमा में कन्वर्ट हो जाएगा। और फोबिया किस तरह के होंगे, हर तरह के फोबिया, प्लेन से, हाइट से फोबिया, किसी को काकरोच का फोबिया, किसी को छिपकली का फोबिया। अब आप कहेंगे छिपकली और काकरोच से तो सारी औरतें डरती हैं, कह सकते हैं, लेकिन जब वो देख लेती, ये फोबिया ऐसे होंगे जो सिर्फ आप नाम लोगे और वो कांपने लगे। ये डिफरेंस है फियर और फोबिया में। वो फियर होता है कि आप देख लेते हो, आप नहीं कंफर्टेबल हो सकता है, ठीक है, आप किसी को बुलाते हो बट आपने देखा नहीं, फिर भी आप उससे ज्यादा प्रॉब्लम में आ गए तो विच इज कॉल्ड ए फोबिया। और फोबिया के अंदर जो एक और कृपा जुड़ जाती है इस उम्र में आके, घोस्ट, भूत साहब आया थे, ठीक है, उसका फोबिया हो रहा जाता है, डरने लगता है इंसान। और डरने के बाद हम कई बार कुछ आर्टिफिशियल चीजों में कन्वर्ट भी हो जाते हैं, आर्टिफिशियल इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं, बहुत सारी चीजें खराब कर लेते हैं। तो ये एक सबसे बड़े प्रॉब्लम है जो ऑर्बिट चेंजिंग की वजह से लेडीज में होते हैं और इस वजह से वो डिप्रेशन में जाती हैं, ये सारी चीजें डिप्रेशन में धकेलती हैं। तो आई थिंक अभी हमने क्या क्या कवर किया है कि औरतों में डिप्रेशन का रेशो कितना है, डिप्रेशन का रेशो डबल ऑफ द मैन है, उसके क्या कारण है, हेल्थ इज वन इशू, सेकंड इशू इज दैट साइकोलॉजिकल। और साइकोलॉजिकल क्यों है, क्योंकि उनको हर बार ऑर्बिट चेंज करना पड़ता है थोड़े थोड़े उम्र के बाद, 12 साल 19 साल जो मैंने एग्जाम्पल दिए, 5 तो बड़े ऑर्बिट है, मैंने 5 जगह डिवाइड किए हैं ऑर्बिट, तो उनमें है। और इनके इफेक्ट अगर आप देख रहे हैं कि वो फोबियास्टिक है, अगर उसकी बॉडी में पेन है, अगर वो क्राई कर रही है,
डेफिनेटली किसी ना किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, नहीं तो ये कभी भी बड़ा इशू बन सकते हैं।